हाउ टू कैलकुलेट चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। देखिए क्या है हॉस्टल अलाउंस, उसको समझिए। ये कंपनी है जहाँ पर ये एम्प्लॉई काम करता है, और ये एम्प्लॉई के कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर एग्जांपल में चार बच्चे हैं, और चार बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो कंपनी क्या करता है कि कंपनी एम्प्लॉई के बच्चे के हॉस्टल के फ़ी के पैसे, हॉस्टल में रहने के फ़ी लगते हैं, तो उनके पैसे एम्प्लॉई को देता है। इसको बोलते हैं हॉस्टल अलाउंस या चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो इसका क्या रूल है? इसका रूल है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपने देखा था कि 100 रुपये पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, वैसे ही यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस में सेम रूल है। हॉस्टल अलाउंस में 100 रुपये की जगह में 300 रुपये पर चाइल्ड हो जाएगा और मैक्सिमम 2 बच्चे का। तो इसके लिए आप लिखिएगा अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड। तो बस आपको ये छोटा सा लाइन याद रखना है कि 300 रुपये पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, और बाकी अमाउंट टैक्सेबल होता है। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखो, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, या इसको हॉस्टल अलाउंस भी बोलते हैं, रिसीव 3000 पर मंथ इच फॉर 3 चिल्ड्रेन। 3 बच्चे का पैसा मिल रहा है 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो बोलते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट निकालो, टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस निकालिए। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस। सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल अलाउंस रिसीव। एक्चुअल में अलाउंस कितना मिला, तो 3000 रुपीज मिल रहे हैं ईच। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस रिसीव 3000 रुपीज ईच फॉर 3 चिल्ड्रेन, और 3000 पर मंथ यदि मिल रहा है तो आपका एक साल का हो गया 36000 रुपया, और ऐसे 3 बच्चे का मिल रहा है 3000 रुपये एक बच्चे का महीने का। तो 12 × 3 36000 हो गया पूरा एक साल का एक बच्चे का। तो 3 बच्चे का हो जाएगा 108000 रुपया। तो 108000 रुपये एम्प्लॉई को पैसा मिला उसके हॉस्टल, उसके बच्चे के हॉस्टल के फ़ी के लिए। उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, एग्जम्पशन कितना है 300 रुपये पर चाइल्ड। 300 रुपया पैसे तो मिला 3 बच्चे का, लेकिन आपको मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिलेगा वो सिर्फ 2 बच्चे का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 300 रुपया × 12 ये हुआ एक साल का एक बच्चे का, 3600 रुपये हुआ एक बच्चे का, और ऐसे आपको मैक्सिमम कितना बच्चे का मिलेगा 2 बच्चे का 2 चाइल्ड। तो 36 × 2 7200। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये बात को ऐसे लिखिएगा, एग्जम्पशन अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, ऐसे लिख देना है। तो 7200 रुपीज हो रहा है, 300 × 12 देखो इस तरीके से करके दिखा सकते हो, 300 × 12 ये एक महीने मतलब एक बच्चे का हो गया 3600 रुपया। तो ऐसे आपको 2 बच्चे का ही मिलेगा मैक्सिमम एग्जम्पशन, तो ये हो गया 7200 रुपीज। तो इसको माइनस कर दीजिए, 108000 माइनस 7200 ये होगा 100800, मतलब 108000 रुपया होगा वो टैक्सेबल अलाउंस होगा। तो आपको याद रखना है कि जितना भी एग्जम्पशन मतलब जितना भी अलाउंस मिलेगा उसको लिखना है, और एग्जम्पशन में क्या करना है 300 रुपया पर चाइल्ड, और लेकिन मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड। चाहे आपको 10 बच्चे का ही पैसा क्यों ना मिले, आपको सिर्फ 2 ही बच्चे का माइनस करना है, और वो भी 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस रिसीव 1500 रुपये पर मंथ और चाइल्ड, यहाँ पर एक बच्चे का मिल रहा है 1500 रुपया, तो कंप्यूट टैक्सेबल चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। यहाँ पर लिखेगा एक्चुअल अलाउंस रिसीव,
एक्चुअल अलाउंस रिसीव 1500 रुपया केवल एक ही बच्चे का मिल रहा है, तो एक महीने का ये, और अब 12 महीने का निकाल लो, 1500 × 12 करेंगे तो आएगा 18,000। उसमें एग्जम्पशन माइनस कीजिए, एग्जम्पशन कितना है, अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चे का मिलता है, बट यहाँ तो बच्चा एक ही है तो 2 बच्चे का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जितना मैक्सिमम 2 बच्चे बोला है, लेकिन बच्चा तो यहाँ एक ही है तो इसलिए एक ही बच्चे का मिलेगा। 300 × 12 3600, अगर बच्चे 3 रहते तो 2 बच्चे का मिलता, 2 बच्चे रहते तो 2 बच्चे का एग्जम्पशन मिलता, 4 रहते तो भी 2 का मिलता, बट बच्चा तो यहाँ एक ही है तो यहाँ पर एक ही बच्चे का एग्जम्पशन मिलेगा, बच्चा ही नहीं तो 2 बच्चे का एग्जम्पशन कहाँ से मिल सकता है। तो अब इस तरीके से बनेंगे, 10,000 − 3600 तो हो गया 14400, ये हो गया आपका टैक्सेबल अलाउंस। तो छोटे छोटे रूल्स है, आपको उसको याद रखना है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आपका चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस का कैलकुलेशन होता है, तो आपको याद रखना है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रहेगा तो क्या करना है आपको, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, इसको याद रखना है, मतलब जितना अलाउंस मिला उसमें से ये वाला एग्जम्पशन माइनस करना है, यानी कि एग्जम्पशन का लिमिट कितना है बस वो याद रखना है। तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के केस में 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ये याद रखना है। और वैसे ही हॉस्टल अलाउंस, तो हॉस्टल अलाउंस एम्प्लॉय के बच्चे के हॉस्टल के फीस के पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इसका एग्जम्पशन कितना मिलता है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है। अगर बच्चा एक ही है तो फिर एक ही बच्चे का एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 2 ही बच्चे का एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे बच्चे कितने भी हों। तो ये था चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस।